हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दो डिजिट इधर भी है, दो डिजिट इधर भी है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। थोड़ा टाइम तो लगता ही होगा आप लोगों को, लेकिन थंबनेल में जैसे मैंने लिखा है, दो सेकंड में आंसर आएगा। जी हाँ दोस्तों, दो सेकंड में आंसर आएगा। बस आप सब लोगों को मुझसे एक प्रॉमिस करना है, वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको ट्रिक समझ आएगी। उसकी रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही शानदार ट्रिक है, आसान भी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात, आप लोग पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो होने वाली दमदार, और शेयर जरूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, क्योंकि मैं ऐसे ही अपने चैनल पे मैथ्स से रिलेटेड शानदार ट्रिक्स लेकर आता रहता हूँ। 9th से लेकर 12th क्लास तक की मैथ्स भी इसमें पढ़ाता हूँ, और साथ ही इंग्लिश ग्रामर भी। तो चलिए अपने ट्रिक पर आते हैं। आप लोग देख रहे होंगे मैंने यहाँ पर दो दो डिजिट के तीन नंबर्स लिख दिए हैं, इनकी मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा उस ऐसी ट्रिक से जिसका आंसर दो सेकंड में आने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अब तीन एग्जांपल क्यों लिखे हैं, क्योंकि इन तीनों एग्जांपल थोड़े थोड़े से डिफरेंट हैं। आइए देखें कैसे। दो डिजिट इधर भी है, दो डिजिट इधर भी है, फाइन। इधर भी दो डिजिट, इधर भी दो डिजिट, इधर भी दो डिजिट और इधर भी दो डिजिट। मैं आपको एक ही बार में सिंपल आंसर निकालना सिखाऊंगा। सब 8400400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउटनेट का 8400400400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है, वो सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400400400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये देखिए, यहाँ एक है, यहाँ एक है, यानी इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक एकम एक, तो आप यहाँ भी लिख दिया एक, राइट। उसके बाद अब अगला स्टेप है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। ये देखिए, ये इसके इससे और इसके इससे, तीन एकम तीन, तीन को अलग रखिए, और दो एकम दो, तीन प्लस दो कितना हो गया पाँच। इन दोनों का आपस में जोड़ना होता है जहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। तो तीन और दो हो गया पाँच, पाँच को इधर लिख दीजिए। अब इसके बाद इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर वाले की लेफ्ट साइड की, तीन दूनी छः, 651। चेक कर लीजिए कैलकुलेटर में, या आपके पास मोबाइल है चेक करिए, 651 इसका आंसर आएगा। दो सेकंड में आंसर कैसे आएगा, रेगुलर प्रैक्टिस करिए, दो सेकंड में आंसर आने लग जाएगा। देखिए इसके सबसे पहले ट्रिक समझिए क्या करते हैं। सबसे पहले हम राइट साइड वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी राइट साइड वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमारी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, उसके बाद फिर हम लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ इस प्रकार से हमारी ट्रिक बनती है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर कुछ खास है, कैसे खास है, देखिए सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई कर दिए पाँच एकम, देखो ये राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा आपस में, पाँच एकम पाँच, तो हमने यहाँ पे पाँच लिख दिया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना हो गया, पाँच चौके बीस और दो एकम दो, बीस प्लस दो कितने हो गए, बीस प्लस दो हमारे हो गए बाईस। अब क्या बाईस यहाँ लिख देंगे, नहीं, हमें एक डिजिट लिखना होता है, वो भी कौन सा, यूनिट प्लेस वाला। तो बाईस का ये वाला दो लिखेंगे और फिर से जो दो है ये हमारा कैरी हो जाएगा, बाद में इसको ऐड करेंगे। अब हमारी बारी आती है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, चार दूनी आठ, आठ और दो दस। अब आप दो डिजिट लिख सकते हैं क्योंकि हमारा आंसर आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड में आप दो डिजिट लिख सकते हैं, तो 1025 चेक करके देखिए इस ट्रिक से यही आंसर आ रहा होगा। क्लियर है। अब चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की। देखिए ये क्वेश्चन तो इससे भी ज़्यादा खास है, कैसे, चलिए देखते हैं। कैसे बताया मैंने, सबसे पहले राइट की राइट से मल्टीप्लाई कर दिए, पाँच दिया पंद्रह, अरे यहाँ तो पहले दो डिजिट का आ गया पंद्रह, पंद्रह का क्या लिखेंगे आप। मैंने आपको बताया ना, जब स्टार्टिंग में दो डिजिट आ जाए या बीच में आ जाए तो आप खाली राइट साइड का लिखते हैं यूनिट प्लेस का। तो पंद्रह का आप जो है ये पाँच लिखेंगे और एक जो है हमारा वो कैरी फॉरवर्ड होगा, किस में होगा, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और जोड़िए आपस में, छः तिया अट्ठारह और सात पंजे पैंतीस और अट्ठारह, छः तिया अट्ठारह और सात पंजे पैंतीस, पैंतीस और अट्ठारह जोड़िए तो कितना आता है 53 आता है। 53 में ये ध्यान रखिए कैरी भी, 53 और 1 54, अब 54 आ रहा है तो फिर क्या 54 लिख देंगे बीच में, नहीं, फिर आप क्या लिखेंगे राइट साइड वाला नंबर, यानी चार लिखेंगे और ये जो पाँच है ये फिर कैरी फॉरवर्ड हो गया। आप क्या करेंगे, लास्ट ट्रिक है, लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 7 का कितना होता है 42 और 42 में 5 जोड़ा 47। आप तो कुछ नहीं करना, तो आप दो डिजिट आराम से लिख दीजिए बिना किसी टेंशन के, 4745 का आंसर आ गया। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर तीन एग्जांपल दिए थे कि जब यहाँ पर कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं था, यहाँ पर एक बार कैरी फॉरवर्ड था और यहाँ पर दो बार कैरी हमको करना था। तो बच्चों कैसी लगी ट्रिक, है ना जादुई, बहुत ही सिंपल ट्रिक थी, दो सेकंड में आंसर आप लोगों का अभी नहीं आ रहा होगा मैं जानता हूँ, लेकिन आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करिए, ट्रिक समझ में आ जाएगी। तो आप दो सेकंड में किया, आप तो बस देखते ही उसकी मल्टीप्लाई मनी मन में कर देंगे, आपको पेन क्या मार्कर क्या कुछ भी चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मनी में मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, क्योंकि मैं आप लोगों के मैथ्स को फटाफट से स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा, चाहे आपकी कैलकुलेशन हो चाहे आपकी नॉर्मल मैथमेटिक्स हो। वीडियो दमदार लगी ना, मैंने कहा था ना, इसलिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करिए लाइक करिए, मुझे मोटिवेशन मिलता है। आपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं।
मैं अपने चैनल पर मैथ से जितनी भी जादुई ट्रिक हैं, चाहे वो ऐड करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, सारी ट्रिक मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। और 9 से लेकर 12th क्लास की मैथ्स भी पढ़ाता हूँ और इंग्लिश ग्रामर भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।